हेलो माय नेम इज स्नेहा वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज मैं आपको टू मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी देने वाली हूँ पेटेंट ऑफिसर की ठीक है ये थ्री स्टेज में एग्ज़ाम होता है तो मैं आज आपको प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताऊँगी क्योंकि सितंबर में एग्ज़ाम है तो टू मंथ्स है आपके पास इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए ठीक है तो पेटेंट ऑफिसर के लिए आप प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो इम्पोर्टेंट है वो आज आपको बताऊंगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी ठीक है और जो इस एग्जाम के लिए कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो कहा मॉक टेस्ट दे सकते हो उसकी साइड बताऊंगी करंट अफेयर्स को कहाँ प्रिपेयर कर सकते हो उसके लिए भी साइड बताऊंगी बिफोर दैट इफ लाइक मई वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल प्रेस एंड सब बटन थैंक यू टारगेट ऑडियंस की बात करूँ तो पेटेंट ऑफिसर का एग्जाम हो गया या फिर पेटेंट एजेंट का एग्जाम हो गया उन दोनों के लिए ही इंस्ट्री स्ट्रेटेजी काम करेगी ठीक है सिलेबस की बात करते हैं तो जनरल इंग्लिश आएगी फिफ्टीन मार्क्स की ठीक है तो एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा तो इसका मतलब फिफ्टीन क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज आएगी थर्टी मार्क्स वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग थर्टी मार्क्स क्वांटिटी एप्टीट्यूड थर्टी मार्क्स जनरल साइंस थर्टी मार्क्स आई एंड आई क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड डब्ल्यू आई पी इज़ वर्ल्ड आई पी ऑर्गेनाइजेशन उससे फिफ्टीन क्वेश्चन आएंगे मतलब फिफ्टीन मार्क्स के यहाँ पर आपका ये वाला सिलेबस में ये वाला पोर्शन आएगा तो इस तरह से वन फिफ्टी मार्क्स का ये वाला पेपर होगा प्रिलियम्स का ठीक है टू आवर्स में होगा ये वाला पेपर और ये जो पेपर होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ठीक है तो आपके यहाँ पर मार्क्स जो होंगे इस एग्ज़ाम के वो एड नहीं होंगे फाइनल लिस्ट में ठीक है अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ बुक्स बताऊंगी जहाँ से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख सकते हो ठीक है जिन जिन बुक्स की मेरे पास पी होगी ना वो पी डी मैं प्रोवाइड करवा दूँगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना ठीक है जनरल इंग्लिश की बात करते हैं तो फिफ्टीन मार्क्स की जनरल इंग्लिश आएगी ठीक है इसमें भी आपको क्या क्या पढ़ना है करेक्ट वर्ड फ्रेजेस या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे पैराग्राफ दे देंगे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे एक वर्ड दे देंगे उसकी नियरेस्ट मीनिंग जिसको आप सिनोनिम बोलते हैं वो निकालनी पड़ेगी वर्ड्स दे देंगे तो आपको उसके अपोजिट्स मीनिंग क्या होगी वो देखना पड़ेगा फाइंड एरर तो क्वेश्चन दे देंगे उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे वर्ड्स के नीचे आप बोलेंगे कि किस में आ, एरर है जैसे ए बी सी डी दे देंगे दे दे और वहाँ पर वर्ड दे, दे देंगे और पूछेंगे किस में एरर है और नो no एरर का भी ऑप्शन दे देंगे तो इस तरह से आपको एरर फाइंड करनी पड़ेगी वर्ड में और सेंटेंस में करेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जैसे कि ए बी सी डी दे देंगे ठीक है सेंटेंस दे देंगे उसको एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में उसको अरेंज करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है ना इंग्लिश में देखने को मिलते हैं यहाँ पर एक ग्रामर वाला पोर्शन नहीं आता है तो वो आपको वो नहीं पढ़ना है जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया ठीक है डायरेक्ट इंड डायरेक्ट स्पीच हो गया ईडियम्स हो गया या इस तरह की चीज़ें यहाँ पर नहीं आएगी तो आपको सिर्फ यही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये पढ़ने हैं ठीक है इसके लिए जो बुक्स है वो है आ, मैं वैसे कोचिंग का नाम नहीं लूँगी एक मैम है जनरल इंग्लिश की एक बुक आती है उनकी एस एस सी के लोग उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उस उस बुक से नीतू सिंह मैम की एक बुक आती है नीतू सिंह मैम की के कैंपस के नाम से एक बुक है उसका लिंक मैं दे दूंगी अब वहाँ से इस बुक को डाउनलोड कर लेना ठीक है या आप इसको आप परचेज भी कर सकते हो नीतू सिंह मैम की जनरल इंग्लिश की तो आपको यही टॉपिक्स वहाँ पर देखने हैं ठीक है आई पी आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वर्ल्ड आई पी ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रीटी से क्वेश्चन आएंगे फिफ्टीन मार्क्स के ठीक है तो इसमें भी आपको क्या क्या पढ़ना है वो बता देती हूँ फर्स्ट आपको पढ़ना है पेटेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी पेटेंट ऑफिसर का एग्जाम है तो पेटेंट एक्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा वो भी नाइन्टीन सेवेंटी का ठीक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री में भी मेन्स में भी और इंटरव्यू में भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूँगी आपको वैसे आप ऑनलाइन भी इसको सर्च कर सकते हैं इस पर रिलेटेड आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो भी आपको शूट करे वो आप उससे पढ़ सकते हैं लेकिन आपको पढ़ना क्या क्या है एक तो यहाँ पर जो टर्म्स होती हैं ना आपको टर्म्स पता होने चाहिए पेटेंट uh, एक्ट के लिए जो एप्लीकेशन्स होती है उसको किस तरह से फिल करना है ये आपको पता होना चाहिए ये कब इनैक्ट हुआ था ये कब फोर्स में आया था उनकी डेट आपको पता होनी चाहिए तो आपके प्रीमियस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और इससे रिलेटेड काफ़ी टर्म्स आएंगी मिलेगी आपको जैसे इन्वेंशन क्या होता है नॉवेलिटी uh, क्या होती है ठीक है कौन कौन सेक्शंस में आती है तो आपको ये पेटेंट एक्ट में पढ़ना है ठीक है इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो कुछ सेक्शंस पढ़ सकते हो जैसे यहाँ पर आप राइट्स ऑफ पेटेंट्स पढ़ सकते हो ठीक है इसके अलावा आप यहाँ पर ग्रांट्स पढ़ सकते हो पेटेंट्स की क्या ग्रांट्स होती है जो पेटेंट एजेंट्स होते हैं वो कौन से सेक्शंस में आते हैं इन्फ्रिजमेंट क्या होता है ठीक है इससे रिलेटेड कौन सेक्शन है तो सेक्शंस भी यहाँ पर आपको पढ़ने हैं साथ में यहाँ पर टर्मोलॉजीज भी आपको पता होनी चाहिए ठीक है इंपॉर्टेंट सेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने हैं पेटेंट एक्ट में जो सेक्शन आते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने हैं ठीक है थीके? तो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जैसे कि सेक्शन थ्री सेक्शन फोर क्या होता है नोविलिटी कौन सेक्शन में आती है सेक्शन टू कौन सा है ठीक है साथ में पे, जो पेटेंट एजेंट होते हैं वो कौन से सेक्शन में आते हैं उनके राइट्स होते हैं वो कौन से सेक्शन में आते हैं ठीक है सेक्शन फोर्टी एट हो गया सेक्शन सिक्सटी हो गया सॉरी सेक्शन सिक्सटी थ्री हो गया सेवेंटी हो गया वन जीरो फोर जो राइट्स होते हैं पेटेंट्स के वो आप सबको पता होने चाहिए ठीक तो है तो इम्पॉर्टेंट सेक्शन और पेटेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में भी ठीक है तो यदि आपको चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊ तो आप आ, कमेंट भी कर सकते हो ठीक है साथ में आपको फॉर्म्स और फीस ये है ये भी आपको पढ़ना है तो कौन कौन से फॉर्म्स हैं ये आपको पता होने चाहिए ठीक है तो आपको डिटेल में नहीं जाना है फॉर्म्स नंबर के साथ साथ उससे रिलेटेड कौन कौन सा उस फॉर्म का क्या नाम है वो आपको पता होना चाहिए ठीक है आपको जी आई पता होना चाहिए जियोग्राफिकल जियो इंडिकेशन क्या होते हैं ट्रेडमार्क कॉपी राइट इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए डब्ल्यू आई पी ओ जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पता होना चाहिए ठीक है इसके क्या फीचर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड जो ट्रीटीज़ हैं वो आपको बताना चाहिए देखो ट्रीटीज़ ट्रीटीज बहुत सारी होंगी तो आपको इसके ईयर का भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से ईयर में कौन सी ट्रीटी हुई थी ठीक है तो ये आपके आपके सिलेबस में है ये वाला पोर्शन तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया फिर ठीक है ट्रीटीज पढ़नी है ऐसे नहीं है कि आपको ट्रीटीज छोड़ देनी है क्योंकि ट्री बहुत सारे देख के लोग छोड़ भी सकते हैं लेकिन ये आपके सिलेबस में है तो आपको ट्रीटीज़ पता होनी चाहिए साथ में उसका ईयर पता होना चाहिए कि कब वो ट्रीटी इनएक्टिव थी ठीक है आई रिलेटेड लॉज हैं इंडिया में बहुत सारे हैं ठीक है ठीके? तो ये भी आपके सिलेबस में है तो ये भी आपको पढ़ना है ठीक है पेटेंट एक्ट हो गया कॉपीराइट ट्रेडमार्क एक्ट बहुत सारे एक्ट है इससे रिलेटेड मैं पी है वो प्रोवाइड करवा दूँगी या फिर मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगी ठीक है तो वहाँ से आप ये वाला आ, ये वाली चीज़ देख सकते हो ठीक है तो आपको फिफ्टीन मार्क का ये सब कुछ आपको पढ़ना है अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तो थर्टी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं यदि आप डेली वन से टू आवर्स इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये वाला सिलेबस आपका धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा देखो कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं एज से क्वेश्चन आते हैं जैसे फादर और सन की एज दे देंगे उनमें रिलेशन दे देंगे और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा रैंक से क्वेश्चन आते हैं ठीक है जैसे आपकी कोई एक रैंक दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन से वाले पोजिशन पर बैठा हुआ है ठीक है अल्फाबैट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे ठीक है नंबर सीरीज से क्वेश्चन आते हैं फिगर दे देंगे ठीक है तो तीन फिगर दे देंगे उसमें किसी ना किसी तरह का रिलेशन होगा फोर्थ में कुछ ना कुछ मिसिंग होगा तो बोलेंगे फोर्थ वाला फोर्थ वाला फिगर क्या होगा इन तीन का रिलेशन देखें फोर्थ वाले फिगर को हमें फाइंड करना होगा इस तरह से हमने फिगर को कंप्लीट करना पड़ता है बैन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आते हैं जैसे सर्किल में कोई बैठ गया है ठीक है वो सेंटर की तरफ मूव करके बैठे हुए हैं फिर फिर पूछेंगे कि कौन कौन सा पर्सन कहाँ पर बैठा हुआ है ठीक है तो उसकी पोजिशन पूछ लेंगे बैंड डायग्राम दो दो बार आ गया है ठीक है मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आ जाएंगे जैसे यहाँ पर नंबर दे दिए फाइव सिक्स सेवन तो कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर तो यहाँ पर एक पैटर्न पता करके मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं ट्राइंगल्स स्क्वायर इससे क्वेश्चन आते हैं जैसे कोई एक फिगर दे देंगे या पूछेंगे इसके अंदर कितने ट्राइंगल है इसके अंदर कितने स्क्वायर है इस तरह के क्वेश्चन आपको क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में देखने को मिलते हैं सोई क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया या रीजनिंग हो गया इससे रिलेटेड मैं पी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी ठीक है वहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं तो कैट का जो एग्ज़ाम होता है ठीक है जो हमारे जो एम करते हैं उसके लिए जो कैट का एग्जाम होता है वहाँ पर आपको क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़नी पड़ती है तो उसकी पी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी वहाँ से आप सेलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं ठीक है या फिर आप क्या कर सकते हैं कुछ कुछ साइट होती हैं जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड की तैयारी करवाती हैं वो साइट आप जाकर देख सकते हैं जैसे कि एक अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन है वो भी रीजनिंग और एप्टीट्यूड की तैयारी करवाते हैं वहाँ से आप जाकर इसको तैयारी भी कर सकते हैं ठीक है थर्टी मार्क्स का आने वाला है आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग ठीक है तो ये बहुत बड़ा पोर्शन है आपके प्रीलिम्स का तो आपको रीजनिंग और एप्टीट्यूड ये आपको कवर करना ही है ठीक है तो रीजनिंग में आपको जैसे एस सी एफ एल सी एम हो गया परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए ठीक है टाइम एंड वर्क और पाइप ये दोनों एक जैसे ही होते हैं तो टाइम एंड वर्क और पाइप के साथ साथ आप पढ़ सकते हो प्रॉबिलिटी प्रॉबिलिटी में भी आपकी मीन मीडियम मोड ये आपको पता होने चाहिए ठीक है प्रॉबीबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है लेकिन एक आपके जो रीजनिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉबिलिटी होती है वो आपको पता होनी चाहिए ठीक है डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आते हैं ग्राफ दे देंगे ठीक है ग्राफ दे देंगे और बार जैसे ग्राफ दे देंगे एंड देन फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन पर भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा इस वाले एग्जाम में ठीक है वैन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं टिग्रोमेट्रिक से क्वेश्चन आते हैं ठीक है क्यूब से क्वेश्चन आ जाएंगे फिर यदि एक क्यूब है उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया तो इसका एरिया निकालो वॉल्यूम निकालो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं ठीक है सीरीज से क्वेश्चनस आते हैं नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम में देखो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि डिजिट दे, दे देंगे उसको सॉल्व करना है कोई इक्वेशन दे दी उसको सॉल्व करना है सीरीज के क्वेश्चन आते हैं ठीक है कोई मिसिंग नंबर है वो निकालने को बोलते हैं कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं तो ये रीजनिंग में का पार्ट पार्ट है वो आपको थर्टी मार्क्स का देखने को मिलता है ठीक है सो आप क्या कर सकते हो इस टू मंथ्स में इसको आप एटलीस्ट वन एंड वन एंड टू आवर्स इस रीजनिंग को दे सकते हो इसको प्रिपेयर करने के लिए ठीक है क्योंकि थर्टी मार्क्स कवर करेगा यदि आपने ये वाला पोर्शन छोड़ दिया तो प्री आपका क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये रीजनिंग बहुत सिंपल होती है ठीक है फिजिक्स की स्टूडेंट की बात करूँ कि उनकी मैथ्स भी अच्छी होती है उनकी फिजिक्स भी बहुत अच्छी होती है यदि आपकी मैथ्स अच्छी है तो ये रीजनिंग वाला पोर्शन कवर हो जाएगा थोड़ा सा टफ़ होता है एप्टीट्यूड से रीजनिंग लेकिन आपने यदि इसको आपको अच्छे से पढ़ा है ठीक है इसके फॉर्मूले आपने अच्छे से देखे हैं तो ये वाला पोर्शन ईजिली हो जाता है ठीक है एक दो क्वेश्चन तो टफ आएंगे ही आएंगे उसको आप स्किप कर सकते हो लेकिन हाँ रीजनिंग सिंपल होती है अब हम बात करते हैं जनरल साइंस की थर्टी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं ठीक है सो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री जुलाजी एंड बायोलॉजी फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ते ही हैं जुलाजी बायोलॉजी थोड़ी सी ईजी होती है कहाँ से पढ़नी होगी या आप लूसैन जी की बुक होती है वहाँ से पढ़ सकते हैं देखो लूसैंड जी की जो बुक है वो टू द पॉइंट है ठीक है टू द पॉइंट होने की वजह से आप इसको पढ़ना थोड़ा सा ईज़ी हो जाएगा ठीक है क्योंकि टू मंथ्स का टाइम है आपके पास तो आप यहाँ से पढ़ोगे ना तो आपको जल्दी से चीज़ें कैच हो जाएंगी या फिर आप क्या कर सकते हो एन की बुक भी पढ़ सकते हो नाइन टेंथ की ठीक है देखिए मेरा सजेशन तो यही होगा कि आप लूसेंट जेके की बुक पढ़ो वहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ोगे फिजिक्स के केमिस्ट्री के, के जोलॉजी बायोलॉजी के तो आपके कवर हो जाएंगे जनरल साइंस का पेपर ठीक है ये प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखोगे ना तो आपको लूसेंट जेके से काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप लूसेंट जेके की बुक पढ़ोगे इसके लिए ठीक है तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए अब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की इसके थर्टी क्वेश्चन आएंगे ठीक है वैसे तो आप वन ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो जैसे सेप्टेम्बर में एग्जाम होगा ना तो उससे पहले के फोर टू फाइव मंथ्स के करंट अफेयर्स आप पढ़ लेना ठीक है या फिर आप मार्च से पढ़ सकते हो मार्च से लेकर सेप्टेंबर तक ये करंट अफेयर्स यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है आपको करना क्या है आपको वन लाइनर क्वेश्चन ही देखने हैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना है ठीक है जैसे आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हो ठीक है अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन जो आते हैं वो देख सकते हो कोई स्कीम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख सकते हो ठीक है तो इसके लिए आप कौन कौन सी साइट देख सकते हो एक तो अफेयर्स क्लाउड डॉट कॉम नाम से एक यूट्यूब चैनल है वो देख सकते हो इनकी एक साइट है वहाँ पर भी आप जाकर करंट अफेयर्स देख सकते हो या फिर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन है वो भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाते हैं वहाँ पर भी आप जा सक देख सकते हो यदि आपको कोई अदर साइट पे करंट अफेयर्स अच्छे लग रहे हैं आप वहाँ पर जाकर भी करंट अफेयर देख सकते हो लेकिन आपको वन लाइनर ही करंट अफेयर्स देखने हैं ठीक है okay, इससे ज़्यादा आपको डीप में नहीं पूछेंगे ओके सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड इफ लाइक मे वीडियो सब्सक्राइब टू मैं चैनल पर बैलक एंड एंड बटन थैंक यू